हिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर फाइव। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हम लोग ये जो आपके नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, इनके कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने कौन कौन से नोबल गैसेस के कंपाउंड्स देखे थे? हम लोगों ने देखे थे सबसे पहले हीलियम के मुख्तलिफ रेडिकल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम लोगों ने नियॉन के देखे थे, उसके बाद आर्गन के, क्रिप्टॉन के, एंड फाइनली हम लोगों ने रेडॉन को देखा था कि ये क्या मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं और उन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, जो कि होते हैं एंडोहेड्रल, आई गेस इनको कहते हैं एंडो समथिंग फुलरीन्स, ठीक है, इसका नाम इतना मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक बकी बॉल वर्ड सुना होगा, बकी बॉल। बकी बॉल आपको याद आ रहा है कुछ क्या होता था? बकी बॉल आपके पास एक आइसोटोप कह रहा हूँ, एलोट्रॉप होता था कार्बन का, कार्बन का तीन आपके पास एलोट्रॉप्स थे ना, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, जिनके अंदर एक आपके पास डायमंड था, फिर एक आपके पास ग्रेफाइट था और तीसरा आपके पास था बकी बॉल, ठीक है। अब तो वैसे इसके अलावा और भी आपने फिर अमॉर्फस फॉर्म्स पढ़ी होंगी, जिसके अंदर आपने कोल पढ़ा होगा, फिर आपने चारकोल पढ़ा होगा, फिर आपने कार्बन ब्लैक पढ़ा होगा, कार्बन ब्लैक, फिर उसके बाद ग्रफीन आजकल डिस्कवर हुआ हुआ है, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गई हैं, ठीक है, ये भी ग्रफीन से ही आप डिराइव करते हो। तो ये मुख्तलिफ आपके पास कार्बन की एलोट्रॉप्स हैं जो मैंने लिखे हैं। अब इन सब में एक एलोट्रॉप था बकी बॉल, जो कि बेसिकली बक मिनिस्टर फुलरीन, एक साइंटिस्ट के नाम से इसको बकी बॉल कहते थे, तो फुलरीन भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। ये देखने में किस तरह के होते थे? ये कुछ ऐसे होते हैं, ये बड़ी मजे की तस्वीरें मुझे मिली थी, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये केज नुमा चीज होती है, ठीक है, और उस केज के दरमियान में अभी आपको क्या नजर आ रहा है? अब असल में ये है कि अगर आप एक फुलरीन या एक बकी बॉल लो, बकी बॉल, और उसका रिएक्शन करा दो आप लेट से हीलियम के साथ, तो आपके पास एक नया कंपाउंड बनेगा, हीलियम एट द रेट ऑफ कार्बन, या बकी बॉल इसको कह लो, ठीक है। ये जो है ना, ये बेसिकली इसको हम लिखते यूं है, इस बात का मतलब ये होता है कि एक पूरा C60 जो है, C60 असल में आपके पास बकी बॉल का फॉर्मूला होता है, जो सिंपलेस्ट बकी बॉल है आपके पास C60, तो उसके अंदर अगर एक हीलियम एटम भी अंदर उसके एडजस्ट हो जाए किसी तरीके से, और ये भी कैसे होता है, ये इसका बहुत ही हाई फाई कंडीशन हमें लगानी पड़ती हैं, और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के अंदर ये रिएक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास नियॉन भी अपना कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो इनको आई थिंक एंडोहेड्रल फुलरीन्स कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये एक मज़े की चीज़ थी, मैं बताना चाह रहा था कि बकी बॉल्स के साथ भी अपने कंपाउंड्स बनाते हैं मुख्तलिफ नोबल गैसेस जो हैं, और इनको कंपाउंड्स को लिखने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है आम कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल आर्गन के कंपाउंड को हम यूँ लिखेंगे, आर्गन एट द रेट ऑफ C60, दैट मीन्स के C60 के अंदर एक आर्गन एटम फिट हुआ हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जहाँ बेसिकली आज जो हम लोगों ने पढ़ना था वो ये था कि ज़ीनॉन जो है आपके पास, ये आपके पास कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है। ज़ीनॉन जो है ना आपके पास, ये सबसे पहले तो हम फ्लोराइड्स इसके डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फ्लोराइड्स इन सब के ऑर्गेनिक कह रहा हूँ आपके पास सब नोबल गैसेस के ऑक्साइड्स क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स क्यों बनते हैं, बिकॉज फ्लोराइड्स जो होते हैं और ऑक्साइड्स जो होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसको बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और बॉन्ड बनाना बहुत ईजी होता है इनके साथ। तो एक और आप ये भी कह सकते हो कि फ्लोरीन आपने देखा था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा था, तो स्ट्रॉन्ग गेस्ट बल्कि आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी वजह से होता ही है कि अगर आप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ ना, फॉर एग्जांपल आप ज़ीनॉन को रिएक्ट कराओ, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसा करो कि आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करो, इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये कि आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ठीक है, तो ये होगा कि वो इसको आयनाइज करने की कोशिश करेगी, और बेसिकली आपके पास ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है ना, ये ऑलमोस्ट 1962 से 63 के दरमियान सबसे पहली दफ़ा ये किया गया था, और ये जब रिएक्शन हुआ था तो उसी वक्त फर्दर दोबारा भी इसी रिएक्शन को करने की कोशिश की गई, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया कि फ्लोरीन और ज़ीनॉन को मिक्स किया गया, और इसके ऊपर
सनलाइट डाली गई, सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट के ऊपर जब इसको एक्सपोज किया गया एट लो प्रेशर, लो प्रेशर, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बगैर ही हमारे पास ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बन गया, ठीक है। और इसमें फ्लोरीन और ज़ीनॉन की हमने परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम रखी, ठीक है, सेम। और फ्लोरीन थोड़ा सा आप ज्यादा रख दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर इसके बाद जो आपके पास बाकी ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं, अब ये ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में ज़ीनॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो प्लस टू होती है, और फ्लोरीन नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विद इन द कंपाउंड, ठीक है। तो ज़ीनॉन यहाँ पे प्लस टू ऑक्सीडेशन, और ज़ीनॉन के अंदर टोटल कितने एटम्स होते हैं, ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ज़ीनॉन होगा, ज़ीनॉन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ज़ीनॉन आपका बिलोंग करता है पीरियड नंबर 5 से, 5s2 4d10 एंड 5p6, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनॉन की। और बेसिकली ज़ीनॉन के केस में होता ये है कि जो 5p के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके अमूमन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वजह क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हैं, ठीक है। ये 4d वाले हालांकि फिल पहले हो जाते हैं 5p से, लेकिन ये जो हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, 5p और 5s वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ज़ीनॉन जब प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इन p वालों में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये जो ऊपर आपने देखा था ये ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड था। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड के अंदर जो आपकी ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, ज़ीनॉन प्लस 4। और इसमें भी आपके पास ये 5p के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देन आपके पास एक तीसरा फ्लोराइड होता है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, इसके अंदर ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है प्लस 6, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ फ्लोराइड्स हैं, इनको प्रोड्यूस करने का तरीका ये होता है, आपको मैंने डाइफ्लोराइड तो बताने का तरीका बता दिया था। अब अगर आपने ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाना है ना, तो आप ये करो कि ज़ीनॉन थोड़ा कम रखो और फ्लोरीन जो है ना ये थोड़ा ज्यादा आप डाल दो बीच में, यानी इसको इससे डालो कि अगर ये आप 10 ग्राम्स डाल रहे हो तो ये आप 50 ग्राम्स डाल दो, ठीक है, यानी 1:5 रेशियो रखो आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करो कि इसका प्रेशर जो है ना वो आप कितना कर दो, 6 atm, ठीक है। 1 atm कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल्स, ठीक है। तो आप यूं कह लो कि आप इसका ऑलमोस्ट 600 किलो पास्कल अगर आप प्रेशर ले जाओ, ठीक है। और एट दिस प्रेशर अब होगा क्या कि आपका ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड बन जाएगा, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, सॉरी। इसके बाद अगर आपने ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाना है, फिर आप ये करो कि आप ज़ीनॉन और इसकी जो रेशियो है ना, अगर आप ये आप ले रहे हो 10 grams, तो ये ले लो आप ऑलमोस्ट 67 grams, ठीक है, यानी इससे ऑलमोस्ट 6.7 times आपने ज्यादा लेना है, या रेशियो आप यूं समझ लो कि 3:20 रेशियो आपने रखनी है, ठीक है, 3:20 रेशियो आपने रखनी है। अगर ये 3 है तो ये 20 होगा, अगर ये 10 है तो ये 67-68 के करीब होगा, ठीक है। तो और फिर आपने ये करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपने 50 atm कर देना है, ये बहुत हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। 50 atm का मतलब है यानी आपने ऑलमोस्ट 5 mega pascals प्रेशर कर देना, ठीक है, क्योंकि एक एटीएम 101.325 किलो पास्कल्स होता है, ठीक है। तो जब इतना प्रेशर आप कर दोगे तो आपके पास, और फिर आपने ये करना है कि इसका टेम्परेचर भी बढ़ा देना है 300 डिग्री सेल्सियस, कहने का मतलब यानी बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस पे आपको लेके जाना पड़ेगा ज़ीनॉन और फ्लोरीन को, तब जाके आपके पास ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा। और ये जो हम मुख्तलिफ फ्लोराइड्स बना रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं, फ्लोरीनेटिंग, जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपने पढ़े थे ना, इस तरह आपके पास फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं। फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स का मतलब ये है कि आप अगर इनका रिएक्शन कराओ, फॉर एग्जांपल आप ज़ीनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन कराओ हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन को फ्लोरीडाइज कर देगा, यानी ज़ीनॉन खुद सेपरेट हो जाएगा और HF में कन्वर्ट कर देगा। HF में H की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1, यहाँ H2 में H की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, यानी बेसिकली ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड ने ऑक्सीडाइज कर दिया हाइड्रोजन को H प्लस के अंदर, ठीक है, और खुद ये रिड्यूस होके ज़ीनॉन बन गए। तो ये बेसिकली जितने भी हैं ये आपके पास, लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था, ये आपके पास होते हैं ऑक्सीडेटिव
फ्लोरिनाइटिक एजेंट्स, यानी बेसिकली ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं दूसरे वाले को और साथ में उसको फ्लोरिनेट भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अगर आप रिएक्शन कराओ जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड कलर से, वो भी आप वाटर ही के साथ रिएक्शन कराओ, और आप क्या वाटर कह रहे हो हाइड्रोजन के साथ, तो अब आपका जीनॉन और साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा फिर से। और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड करो तो अगेन आपके पास यही वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, और सिग्निफिकेंटली आपके पास ये ज्यादा होता जाएगा प्रोग्रेसिवली, यानी HF जो है आपके पास ज्यादा होता जाएगा बिकॉज फ्लोरीन यहाँ पे हेक्साफ्लोराइड के केस में आपके पास ज्यादा है, और ज्यादा वाटर ज्यादा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसके साथ बॉन्ड होंगे और ज्यादा आपके पास HF प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा अगर आप फ्लोरीनेट करना चाह रहे हो लेट से मरकरी को, अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मरकरी क्या है, मरकरी एक नोबल मेटल है, यानी ये इतना आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन अगर आप जीनॉन डाइफ्लोराइड जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ रिएक्ट कराओ तो फिर मरकरी की बस हो जाती है, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि मरकरी जो है वो बहुत कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज ना करे, लेकिन जीनॉन डाइफ्लोराइड उसको फोर्स करेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और वो इतना ज्यादा फोर्स करेगा जीनॉन डाइफ्लोराइड को, वो एक छोड़ के दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा मरकरी, ठीक है, यानी मरकरी जो है वो बेसिकली H प्लस टू बन जाएगा और दो फ्लोरीन के साथ मिलके HgF2 प्रोड्यूस कर देगा और जीनॉन खुद रिड्यूस हो जाएगा जीनॉन डाइफ्लोराइड से। तो बेसिकली जीनॉन डाइफ्लोराइड ने ऑक्सीडाइज कर दिया मरकरी को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है, खुद वो रिड्यूस हो गया बिकॉज यहाँ पे जीनॉन का चार्ज प्लस टू था और यहाँ पे जीरो हो गया, तो बेसिकली जीनॉन डाइफ्लोराइड के अंदर जीनॉन रिड्यूस हो रहा है और मरकरी ऑक्सीडाइज हो रहा है। देन आप अगर जीनॉन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन कराओ अमोनिया के साथ तो ये आपके पास एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन होता है इन विच अगेन आपके पास क्या होता है कि जीनॉन डाइफ्लोराइड के अंदर जीनॉन जो है ये आपके पास रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है बिकॉज नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पे माइनस थ्री है और नाइट्रोजन यहाँ पे जाके N2 में चेंज हो जाता है, ठीक है, और साथ में HF मॉलिक्यूल्स आपके पास बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस वन था, यहाँ पे भी प्लस वन है, फ्लोरीन यहाँ पे माइनस वन था, यहाँ पे भी माइनस वन है, ठीक है। इस रिएक्शन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा करो ताकि आपको याद भी होता जाए। अब फ्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे भी माइनस वन कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस वन कर रहा है, यहाँ पे भी प्लस वन कर रहा है, नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे आपके पास माइनस थ्री कर रहा है। अमोनिया के अंदर मैंने एन को माइनस थ्री कहा और एच को प्लस वन कहा तभी NH3 बना, ठीक है। मैं ये भी तो कह सकता था कि NH3 है ना, ठीक है, कि N प्लस थ्री एच माइनस वन, N प्लस थ्री एच माइनस वन, यूं भी तो N प्लस, लेकिन अब मैंने यूं नहीं लिखा। इसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, यानी इसके ऊपर पोलैरिटी नेगेटिव फॉर्म में इंड्यूस होगी, तो एक्चुअली इसको यूं हम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी माइनस थ्री होगी। तो बेसिकली जो मैं बात करना चाह रहा था कि नाइट्रोजन आपका सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिकली ऑक्सीडाइज हो गया, माइनस थ्री से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया और जीनॉन रिड्यूस होके ये बन गया। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीनॉन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है नाइट्रोजन को और ये फ्लोरिनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीडेटिव फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पर ये रिएक्शन है। इसके बाद जीनॉन यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये जीनॉन डाइफ्लोराइड के साथ भी होता है, ये आपके पास जीनॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ भी ये रिएक्शन होता है, ठीक है। आई हैव टू सी कि ये जीनॉन डाइफ्लोराइड के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है या नहीं, लेकिन ये रिएक्शन बेसिकली जीनॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ होता है, माय बैड। अच्छा, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड के साथ अगर आप यही वाला रिएक्शन कराना चाहो इन विद वाटर लेट से, तो ये क्या करेगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीफ्लोराइड्स फॉर्म करेगा, ठीक है। ऑक्सीफ्लोराइड्स हम इस लेक्चर के एंड पे देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट फ्लोराइड्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देते हैं ऑक्साइड्स का, कि जीनॉन के जो मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सबसे बेसिक जो जीनॉन का ऑक्साइड है ना वो तो है आपके पास जीनॉन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। और मैं जीनॉन ट्राईऑक्साइड की आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये रहा आपके पास जीनॉन ट्राईफ्लोराइड ट्राईऑक्साइड सॉरी। इसके अंदर देखो ये जो ब्लू कलर के आपको एटम्स नजर आ रहे हैं ना, दीज आर जीनॉन, ठीक है। एंड देन ये जो आपको रेड कलर के अंदर नजर आ रही हैं लाइंस और ये जो बॉन्ड हुए हैं रेड कलर की बॉल्स के साथ, दीज आर थ्री ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। और देखो कि तीन डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाता है ना, ऑक्सीजन के वैलेंस दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन नेगेटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर रहे हैं विद जीनॉन प्लस टू इन ईच केस, मेकिंग अप टोटल ऑफ जीनॉन प्लस सिक्स,
ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास मुख्तलिफ ZeO3 के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह पड़े हुए हैं, और ये आपके पास ज़ीनॉन टेट्रा ट्राईऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इसको आप साइड पर रख के हम लोग ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, ये किस तरह का था, ज़ीनॉन के साथ तीन ऑक्सीजन एटम इस तरह करके बॉन्ड हुए हुए हैं, ठीक है। और ज़ीनॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, फिर +6 ईच ऑक्सीजन -2, ठीक है। तो ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड जो है ना, ये एक एक्सप्लोजिव के तौर पे बिहेव करता है, एज एन एक्सप्लोजिव, क्योंकि ये अगर आप इसको नॉर्मल एयर के साथ अगर इसको एक्सपोज कर दो, फ्री एयर के साथ, या अगर आप ये करो कि इसको वेपर्स के साथ एक्सपोज कर दो या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो होता ये है कि ज़ीनॉन और ऑक्सीजन अलग में अलग हो जाते हैं, ज़ीनॉन और ऑक्सीजन, और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये बेसिकली एक्सप्लोजन प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपके पास एक्सप्लोजिव्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड वगैरह। इसको प्रोड्यूस करने का तरीका क्या होगा कि आप ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है इसका रिएक्शन करा दो आप वाटर के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनाएगा कि ये आपके पास ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड, और साथ में आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ब्लास्ट, अभी ये जो ऊपर रिएक्शन लिखा है, अब थोड़ा सा अगर गौर कर रहे हो मेरी बातों के ऊपर, ये और ये दो अलग रिएक्शंस नहीं हो गए, ये वाला और ये वाला, बेसिकली इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था ना, ये आप वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ कराते हो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। और ये जो नीचे आपका रिएक्शन हो रहा है ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड के साथ, और ये जो है ये आप एक्सेस अमाउंट में वाटर के साथ अगर रिएक्शन करो, उसको हाइड्रोलाइज करो, तो ये ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है। या आप यूं कह लो कि ज़ीनॉन टेट्रा, ये जो आपके पास है ना ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ये आपके पास डीकम्पोज हो जाता है इसमें, ठीक है। आप यूं भी इसको समझ सकते हो। तो ये आपके पास एक ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड जो है ये एक सॉलिड की फॉर्म में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये फॉरन जो है ये चेंज हो जाता है ज़ीनॉन और ऑक्सीजन के अंदर, अगर आप इसको वेपर्स के साथ एक्सपोज कर दो। इसके बाद ज़ीनॉन का एक और भी ऑक्साइड होता है जो एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड, यानी ज़ीनॉन के साथ चार ऑक्सीजन एटम्स, जिसका स्ट्रक्चर कुछ देखने में ऐसा होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ज़ीनॉन के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पे, ज़ीनॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में आपके पास +6 है, ठीक है, सॉरी +8, 8 बॉन्ड्स बना रहा है वो टोटल, ठीक है, 8 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। अब ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड का हम देख लेते हैं ये प्रिपेयर कैसे होता है। आपके पास जो ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड था ना, विच वाज ZeO3, अगर आप इसको हाइड्रोक्सिल आइंस के साथ रिएक्ट करा दो किसी तरीके से, कोई भी हाइड्रोक्सिल आइंस, तो हाइड्रोक्सिल आइंस क्या करते हैं कि ये बेसिकली आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होने लग जाते हैं, या आपके पास जो ज़ीनॉन है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आपके पास H2O प्रोड्यूस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ज़ीनॉन इटसेल्फ सेपरेट हो जाता है, और एंड पे एक फाइनल चीज बनती है जो कि ZeO6-4 होता है, ठीक है। इसके चार प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के, यानी बेसिकली अगर आपको ये रिएक्शन समझ आ जाए तो आपको इस ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड के सारे रिएक्शन समझ आ जाएंगे कि ये होता कैसे है। बेसिकली हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये अटैक करता है ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड को, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके एक आपके पास ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स, ज़ीनॉन एटोमाइज्ड फॉर्म में, एंड देन ये आपके पास एक आयन बनाता है एनायन, जिसका नाम है परज़ीनेट आयन, ठीक है। अगर यही वाला रिएक्शन आपका हो रहा होता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर क्या होता कि ऑक्सीजन बनता, ठीक है, साथ में वाटर बनता, ठीक है, साथ में आपके पास ज़ीनॉन बनता, एंड देन आपके पास सोडियम परज़ीनेट बन जाता, ठीक है। तो ये आपके पास सोडियम परज़ीनेट बन गया यहाँ पे, और अब होता ये है कि ये आपके पास परज़ीनेट है ना, सोडियम परज़ीनेट, इसको अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो तो ये आपके पास ZeO4 जो कि सोडियम टेट्रा ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड एंड देन सोडियम सल्फेट एंड देन वाटर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास एक समझ लो कि रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं कहोगे आप इसको, एसिड बेस्ड रिएक्शन कहोगे, नाइट्रोजन सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, ठीक है, एंड यहाँ से सोडियम जो है ये सॉरी सोडियम
तो उसने सल्फेट बना दिया था ना, जीनॉन जो है ये टेट्राऑक्साइड की फॉर्म में सेपरेट आउट हो रहा है, यानी जीनॉन हेक्साऑक्साइड की वजह ही से तो उसके ऊपर जीनॉन टेट्राऑक्साइड के ऊपर इसके ऊपर चार्ज जीरो है, ठीक है, और जीनॉन हेक्साऑक्साइड के ऊपर दो ऑक्सीजन आने की वजह से माइनस फोर चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो ये आपस में यूं चेंज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो दिस वॉज अबाउट द रिएक्शन ऑफ जीनॉन टेट्राऑक्साइड, जीनॉन ट्राइऑक्साइड. जीनॉन ट्राइऑक्साइड से आप जीनॉन टेट्राऑक्साइड प्रोड्यूस करते हो. कैसे? जीनॉन ट्राइऑक्साइड से आप प्रोड्यूस करते हो सोडियम परजीनेट, एंड सोडियम या बेरियम परजीनेट या कोई भी और परजीनेट आप लेके उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो और आपके पास क्या बन जाता है, सोडियम सोडियम कह रहा हूँ, जीनॉन टेट्राऑक्साइड, ठीक है. सो आज के लेक्चर को अभी हम जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं. फाइनली एक चीज डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पास क्या है, वो है आपके पास ऑक्सीफ्लोराइड्स, ठीक है. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये आपके पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इन विच ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड ये दोनों आपके साथ बॉन्ड हुए हुए होते हैं. हमारे साथ नहीं, मेरा मतलब है जीनॉन के साथ. अब जीनॉन के बहुत से ऑक्सीफ्लोराइड्स में से जो कॉमन ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं वो जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, ठीक है, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. और ये आपके पास कैसे प्रोड्यूस होता है, आप जीनॉन हेक्साफ्लोराइड जो ऊपर आपने पढ़ा था ना उसको आप सिलिका यानी सैंड के साथ रिएक्ट करा दो, ठीक है, और ये आपके साथ क्या बनाएगा, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बना देगा और साथ में सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड. इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जीनॉन हेक्साफ्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो ये आपके पास अगेन जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बना देगा, ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और साथ में HF बना देगा, ठीक है, बिकॉज ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी है. तो ये बेसिकली सिलिका को ऑक्सीडाइज और फ्लोरिनेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, सिलिका को ये फ्लोरिनेट कर देगा और इस फॉर्म में ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपके पास मुख्तलिफ रिएक्शन हैं, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आपके साथ ये रिएक्शन होता है. अगेन मैं कह रहा हूँ आपके साथ नहीं होता, ये जीनॉन के साथ होता है. जीनॉन के साथ फ्लोरीन ऑक्साइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो आपने ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन पढ़े थे उसके अंदर आपने ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड देखा था, इसके साथ अगर आप रिएक्शन करा दो तो ये भी आपके पास सिंपली ऑक्सीजन जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो आपके पास जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड हो गया, ये आपके पास जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड हो गया, ठीक है. तो नॉर्मली आपके पास जीनॉन के जो ऑक्साइड टेट्रा ऑक्सी डाइफ्लोराइड्स एंड ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड्स ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जब आप ऑक्सीफ्लोराइड्स की बात करते हो, ठीक है. तो दैट्स इट अबाउट रिएक्शंस ऑफ जीनॉन. जीनॉन के अंदर आज की हम लोग समरी अगर ओवरऑल देखना चाहें, हमने देखा कि जीनॉन जो है ये बेसिकली बहुत ईजिली अपने सॉल्ट्स बनाता है, ठीक है, ये बहुत से कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है जिनके अंदर हम लोगों ने आज हमने ऑक्साइड्स देखे हैं, ठीक है, आज हम लोगों ने फ्लोराइड्स देखे हैं, ठीक है. ऑक्साइड्स के अंदर आज हमने कौन कौन से देखे हैं, हमने जीनॉन ट्राइऑक्साइड देखा है, आज हमने जीनॉन टेट्राऑक्साइड देखा है, फ्लोराइड्स के अंदर हम लोगों ने जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनॉन हेक्साफ्लोराइड देखा है, ठीक है. इसके अलावा हमने ऑक्सीफ्लोराइड्स देखे हैं, ठीक है, ऑक्सीफ्लोराइड्स के अंदर आपके पास ऑक्सी डाइफ्लोराइड्स एंड ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड्स हमने देखे हैं, ठीक है. इसके अलावा आपके पास जीनॉन जो है ये फर्दर भी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है. जीनॉन आपके पास क्लोराइड्स भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आपके पास कुछ नाइट्रोजन के भी कंपाउंड्स होते हैं जो जीनॉन के साथ मिलके बनते हैं, ठीक है. तो बेसिकली आपका जीनॉन जो है ना ये बहुत से सॉल्ट्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनाता है, और मैं भी इसके कहीं देख रहा था कि इसके स्टिल in the process of making new compounds, the scientists are making them, and around 500 से ज्यादा इसके जो compounds हैं ये already prepare किए जा चुके हैं xenon के, ठीक है. तो आप किसी भी तरीके से xenon को inert नहीं कह सकते, बिकॉज जीनॉन की जो ऑक्सीडेशन, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी देखो तो वो भी बहुत नॉर्मल है, यानी जीनॉन को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना पड़े तो आप बेसिकली बहुत ईजिली कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब, यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, आप एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से नॉक ऑफ करा सकते हो, ठीक है. और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी चूंकि टॉप टू बॉटम आपकी डिक्रीज करती है, इसी वजह से जीनॉन तक जो आप पहुंचते हो टॉप टू बॉटम, जीनॉन चूंकि बॉटम टू के अंदर आता है तो इसकी बहुत ही कम आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है. सेकेंडली ये कि इसका साइज बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका चार्ज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा होने की वजह से, जब ये कंपाउंड्स बनाता है ना, फॉर एग्जांपल जीनॉन डाइफ्लोराइड को अगर मैं कंपेयर करूं हीलियम डाइफ्लोराइड के साथ, ठीक है,
तो ये तो किसी सूरत भी नहीं बन पाएगा, बिकॉज इसका हीलियम का तो इतना छोटा साइज होता है, इसने क्या पोलराइजेबिलिटी करनी है और क्या इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होना है। यहाँ पे चार्ज इंडक्शन जो होती है वो कंपेरेटिवली ईजी होती है, इस वजह से आपके जो जीनॉन्स के हैं, जीनॉन के मुख्तलिफ कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली आपके पास उन एलिमेंट्स के साथ प्रोड्यूस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ आपके कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और हम देखेंगे मुख्तलिफ नोबल गैसेस और साथ में जो हेलोजन्स थे जो कि हम पढ़ते आ रहे थे इस काफ़ी लेक्चर्स से, इनके हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर को हम काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।